मौसम में सलमान खान का नाम आया 6 नंबर पे, क्या फील करते हैं आप जब इस तरह से आपके दोस्त? ये नंबर वन होना चाहिए यार, मैं ये फील करता हूँ, ये जेन्युइनली हैंडसमनेस में नंबर वन होना चाहिए। और क्या ये क्या हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आपको पता है आज एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है, और आ रही है सलमान खान एंड शाहरुख खान यानी करण और अर्जुन की तरफ से, कि इन दोनों के बीच में हो गई फाइट, वो भी स्टेज पर सबके सामने। वहां पे मौजूद थे आमिर खान भी, और सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी सलमान खान शाहरुख खान के ऊपर कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो। मतलब ये कोई को उम्मीद भी नहीं थी कि सलमान शाहरुख खान इस तरीके से बहस कर लेंगे यार, क्या कर दिया यार। और आमिर खान देखते रह गए मुंह सलमान खान और शाहरुख खान का, भाई साहब चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन मानने को तैयार नहीं है सलमान खान शाहरुख खान। आप लोगों से सोच रहे हैं कहां की बात मैं बता रहा हूं, ये अरविंद अंबानी की शादी मुकेश अंबानी के बेटे की है, जहां एक स्टेज पर सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान तीनों नजर आ रहे हैं। फिर लगा दबंग का गाना, दबंग का गाना, हां होड़ होड़ दबंग, दबंग का गाना लगाएंगे भाई, एक सेकंड, तेरा गाना क्यों लगाएंगे, मेरा लगाएंगे ना, बेशर्म रंग लगाएंगे हम, कमान बेशर्म भी लाया तो एक बेशर्मी का गाना लाया है, नहीं नहीं बेशर्म, सर तेरा क्यों होगा, गाना मेरा होगा, प्लीज नहीं मेरा होगा, नहीं मेरा होगा, नो नो मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा, एक मिनट एक मिनट, तुम लोग कुछ झगड़ा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शाहरुख खान और सलमान खान दोबारा झगड़ा कर रहे हैं, अनंत और राधिका की शादी में, अंबानी की शादी में कोई ढंग है? वहां पर हो गई बहस, शाहरुख खान ने कहा मेरा गाना बजेगा, पहले सलमान भाई ने बोला मेरा गाना बजाओ दबंग दबंग दबंग, वो कहे नहीं मेरा गाना बजेगा बेशरम रंग, जिसपे सलमान खान ने चुटकी ली, कहा कि अभी यार इतना अच्छा माहौल है उस पर भी गंदा गाना बेशरम रंग, ये कौन सी बात हुई। शाहरुख खान ने कहा मेरा ही गाना बजेगा, लेकिन सलमान खान के नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा, इतनी बहस हो गई। उसके बाद बीच में आमिर खान को आना पड़ा, आमिर खान ने कहा भाई साहब गाना ना सलमान तेरा बजेगा ना शाहरुख तेरा बजेगा, गाना बजेगा मेरा, वही बजेगा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बहरहाल ये सीन जो है ना काफी कमाल की है, जबरदस्त है यार, ऐसा मूवमेंट कहां देखने को मिलता है मेरे भाई। अच्छा सच्चे दिल से बताओ यार, ये तीनों एक साथ स्टेज पे थे, आपको मजा आई कि नहीं, ये क्लिप देखकर मजा आई कि नहीं, मजा आई जो ये क्लिप सामने आई है। अच्छा जो गलत बोलना है ना उनको मैं बोल देता हूँ, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कमेंट आप गलत डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो फायदा है मैं आपको मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन सलमान शाहरुख खान आमिर खान एक साथ स्टेज पे आकर इस तरीके से बच्चों की तरह लड़ना, उसके बाद झगड़ना, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर हंसना मजाक करना, ये काफी जबरदस्त मोमेंट था, और ऐसा मोमेंट फिर कहता हूं बार बार नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। वैसे आमिर खान सलमान खान शाहरुख खान एक फिल्म में बहुत जल्द नजर आने वाले, इसका कंफर्मेशन खुद आमिर खान ने किया कि हम लोगों ने एक साथ बात की है, बहुत जल्द जो है हम लोग एक साथ आएंगे। एक जगह जब जमा होती नो अमर अकबर एंथोनी, तो हो सकता है कि सलमान शाहरुख आमिर एक साथ फिल्म में आए, क्योंकि आमिर खान ही जो है छटकते थे, और आमिर खान ही ने क्लियर किया है कि हम बात कर चुके हैं कि एक फिल्म अपने लिए भी और फैंस के लिए भी, दोनों लोग के लिए कम से कम एक फिल्म जरूर देनी चाहिए जिसमें हम तीनों एक साथ हों, और अगर ये फिल्म आएगी तो सोचो नहीं क्या धमाल होगा, क्या धमाका। और रिकॉर्ड्स की बात नहीं करते यार, जो डाई हार्ड फैन होते हैं ना वो इंजॉय करते हैं वो रिकॉर्ड्स की बात, रिकॉर्ड्स तो अपने आप बनते हैं टूटते हैं बनते हैं टूटते हैं, लेकिन इंजॉय जो करने का मोमेंट होता है ना वो हमेशा याद रहता है, मैंने कितना इंजॉय किया था इस फिल्म को, ये चीजें होती है। बहरहाल आप ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, ओके टाटा बाय, सी यू अगेन।